मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, अभी नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो रही है, तो आज हम जो है कलश स्थापना के मुहूर्त के साथ साथ बहुत आसान तरीके से ये समझेंगे कि हम स्वयं जो है किस प्रकार अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेच भी चलते रहते हैं, आप उससे जुड़कर बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। मेरे प्रिय साथियों, प्रत्येक वर्ष जो है पितृपक्ष के समापन के अगले दिन शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, यानी अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पितृ अमावस्या का पर्व मनाने के साथ ही पितृपक्ष जो है खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। देखिए, अभी इस वर्ष यानी 2023 में अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात्रि 11:27 से प्रारंभ होगी, जो कि 15 अक्टूबर की रात्रि 12:34 तक रहेगी। तो देखिए, उदय तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि जो है 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगी और इसका जो समापन है वह 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि पर विजयदशमी मनाई जाएगी, यानी दशहरा मनाया जाएगा। देखिए, इन 9 दिनों में यानी कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। मेरे प्रिय साथियों, शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य और पूजा अनुष्ठान हमेशा ही सफल होता है, इसलिए अच्छा मुहूर्त देखने के पश्चात ही हमें कोई पूजा या अनुष्ठान करवाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि पर प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक विधि विधान के साथ कलश स्थापित किया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। तो जब हम कलश स्थापित करते हैं तो उसके लिए भी यदि कोई शुभ मुहूर्त मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे देखिए, यह तो नवरात्रि है, हर मिनट ही मुहूर्त होता है, लेकिन फिर भी यदि हम कलश स्थापित करने के विशेष शुभ समय की बात करें तो 15 अक्टूबर को सुबह जो है घट स्थापना मुहूर्त यानी कलश स्थापना मुहूर्त जो है सुबह 6:30 से 8:45 तक है और इसके पश्चात 11:44 से दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त है, इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर आप स्वयं ही अपने घर पर कलश की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सामग्री को लिख लें कि आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। देखिए, माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आप आसन उपयोग में लें। मिट्टी का कोई भी पात्र आपको लेना है, थोड़ी सी जौ आपको लेनी है, पीली मिट्टी और जल से भरा हुआ कलश, मौली, लौंग, इलायची, थोड़ी सी कपूर, थोड़ी सी रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल और कुछ सिक्के, नारियल और अशोक या आम के कुछ पत्ते आपको लेने हैं। माताजी के लिए एक चुनरी आपको लेनी है, सिंदूर, फल फूल और फूलों की माला और श्रृंगार की सामग्री आपको लेनी है। आप नवरात्रि के पहले ही दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि को सुबह स्नान कर लें और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। देखिए, यदि आप अपने घर में कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको अपने घर में अखंड ज्योत जलानी ही है।
अब देखिए आप कलश स्थापना कैसे करनी है। देखिए कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में आप वो जो पीली मिट्टी आप लाए हैं उसको आप डाल दें और उसमें जौ के बीज को आपको बो देना है। अब एक तांबे के लोटे पर आप रोली से स्वास्तिक बनाएं और लोटे के ऊपरी हिस्से में आप मौली को बांध दें। जिस लोटे पर आपने मौली बांधी है उसी में ही आप पानी भर दें और थोड़ा सा गंगा जल भी उसमें डाल दें। इसके पश्चात आप उस लोटे में 1 रुपया, सुपारी, थोड़ी सी दूब, इत्र और अक्षत को अर्पित कर दें। इसके बाद देखिए कलश में जो आप कलश लेकर के आए थे उस कलश में अशोक या आम के पत्ते जो भी आप लेकर के आए हैं वो 5 पत्ते आप उसमें लगा दें और एक नारियल पर जो है लाल कपड़ा लपेट कर उसे भी मौली से बांध दें। इसके बाद क्या करना है, जिस नारियल पर आपने लाल कपड़ा लपेटा था उस नारियल को आप कलश के ऊपर रख दें और फिर उस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जो बोए थे। देखिए कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रत को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो 9 दिनों तक व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपको पूरी नवरात्रि में एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि जो अखंड ज्योत आपने जलाई है वह खंडित ना हो, उसमें घी तेल का विशेष ख्याल रखें। तो आज मैंने आपको बहुत साधारण भाषा में साधारण तरीके से नवरात्रि में कलश स्थापना की विधि बताई है। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।